जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में लोगों के व्रत चल रहे हैं, तो उन्हीं व्रतों को देखते हुए आज मैं आपके लिए एक आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है ड्राई फ्रूट्स खीर। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान, ये मिनटों में बन जाती है। तो चलिए बनाने चलते हैं ड्राई फ्रूट्स खीर। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बनाने चलते हैं ड्राई फ्रूट्स खीर। खाने की खीर बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो ये है, एक कप मखाना, एक गिलास दूध, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू जिन्हें पहले से काट लिया है, दो हरी इलायची जिन्हें मैंने छील लिया है, और शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम अपने मखानों को ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे, और अब इसमें हम ये मखाने डाल देंगे। इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, लो फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट करना है। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और चलाते जाएंगे जिससे मखाने जल ना जाए। मखानों में खुशबू अच्छी आने लगी है और मखाने देखिए भुन चुके हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मखानों को हम ठंडा होने देंगे। इसे ठंडे होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे। अब इसमें जो हमने मखाने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं उनको डाल देंगे। इसमें ये बादाम भी डाल देंगे, काजू भी डाल देंगे, इलायची भी। अब इसको ढक्कन लगा के 1 से 2 सेकंड हल्का सा हमें चर्न करना है, जिससे कि ये हमारे मखाने 2 टुकड़ों में कट जाएं। हमें पीसना नहीं है। देखिए हमें अपने मखाने को इस तरह से करना है। अब हम गैस के ऊपर एक पैन को चढ़ाएंगे। अब हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे और अपने इस पैन को हम गैस के ऊपर रख देंगे। अपने दूध को हम हल्का सा बॉईल करेंगे। देखिए दूध बॉईल होने पर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और इसको हम चला देंगे। और इसे बॉयल होने तक पकाएंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और चला देंगे। अब इसमें ये किशमिश डाल देंगे। चला देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे। बस हमें इसे 1 से 2 मिनट पकाना है और फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस को ऑफ कर देंगे। खीर को हम गरम गरम सर्व करेंगे। इस खीर में आप ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर की मात्रा को अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, किसी को कम।
ड्राई फ्रूट्स की खीर तैयार है। यदि आपको ये खीर की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अभिघ्न फूड बुक पर शेयर करें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अभिघ्न फूड बुक।